हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11। आई एम योगिता सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। बच्चों, आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आपका पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि आपके सिलेबस में 6 चैप्टर आएंगे। वो जो 6 चैप्टर हैं, जिसमें आपकी बुक वन और बुक टू है। बुक वन में आपके 3 चैप्टर हैं, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय। ये मैं क्लास में भी करवा चुकी, इनके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, ठीक है। और जो सेकंड बुक है, उसमें आपके 3 चैप्टर हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, है ना। तो टोटल 6 चैप्टर हैं जो आपके टर्म टू में आएंगे। तो ये जो तीनों की तीनों जो नाम है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों जो हैं सरकार के अंग, सरकार के पार्ट कहे जाते हैं। तो हमने कभी 7th-8th क्लास में हमने इनको एक साथ ही पढ़ा था, एक ही चैप्टर में पढ़ लिया था। लेकिन अभी जो है इनको अलग अलग चैप्टर में किया गया है। आपको डिटेल से आपको ये समझाया जाएगा कि विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है और कार्यपालिका क्या होती है। तो इसमें आपका 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर हैं। तो इसमें हम सबसे पहले विधायिका पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विधायिका, जिसे हम संसद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? संसद। तो ये जो आपकी संसद है, ये द्विसदनीय व्यवस्था है। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था की है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और संसद कब बनती है? संसद जब बनती है जिसमें राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति हैं, तीनों को मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। तो आज मैं टॉपिक आपको सिर्फ राज्यसभा के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। कल लोकसभा के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आज हम सिर्फ राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा को हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ राज्यसभा पर ही हम ध्यान देंगे। तो जैसे मैंने बताया कि संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें हम राज्यसभा पर आते हैं। तो जो राज्यसभा होती है, हम उसे उच्च सदन बोलते हैं, अपर हाउस। और जो लोकसभा होती है, हम उसे निम्न सदन बोलते हैं, यानी कि लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और ये जो राज्यसभा होती है, स्थायी सदन होती है, कभी बर्खास्त नहीं होती, ठीक है। इसमें जो है हर 2 साल में जो है कैंडिडेट जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं इसमें से, मतलब 6, क्योंकि वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, तो 6 साल उनका पूरा हो जाता है तो वो निकल जाते हैं। तो हर दो साल में जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कितने? 1/3 सदस्य। इसमें से 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं हर 2 साल में, ठीक है। और इसमें उम्र कितनी होती है सदस्य बनने की? इसमें होती है 30 वर्ष, ठीक है। और कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। लेकिन जो इन सदस्यों का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट वे में होता है। जो विधानसभा के सदस्य, जैसे अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो जो भी सदस्य चुने जाएंगे, वो जो सदस्य हैं वो वोट करते हैं इनको, वो अप्रत्यक्ष रूप से वही लोग चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है। और वो किस विधि से होता है? वो अनुपातिक प्रतिनिधि के विधि के द्वारा होता है, और एक संक्रमणीय मतम पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो राज्यसभा है, ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये भारतीय राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, ये जो आपका राज्यसभा है, ये कौन से भाग में? भाग 5 में, अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं इनके सदस्यों की। राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्य, अगर हम बात करें कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो वो 250 हो सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट हमारे अभी कितने हैं? 245 हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट। लेकिन अगर 250 सदस्य होते हैं, तो उसमें 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, और निर्वाचित कितने होंगे? 238, ठीक है। और जो 238 हैं, उस 238 में से भी 229 जो हैं वो राज्य के हैं सदस्य, और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से हैं। लेकिन अभी हम वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में हमारे पास 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और जो निर्वाचित सदस्य हैं वो हैं 233 जो अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं, और उसमें जो राज्य से चुने गए व्यक्ति हैं वो हैं 225, और जो केंद्र शासित प्रदेश से हैं वो हैं 8, जिसमें कौन कौन सी केंद्र शासित प्रदेश हैं? दिल्ली से 3 हैं, पौंडीचेरी से 1, और जम्मू एंड कश्मीर से, ये अभी शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर जब सबसे 370 जो है ख़त्म हुआ है, तब से जम्मू कश्मीर को से भी जो है निर्वाचित सदस्य लिए गए हैं, तो उसमें से हैं 4। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा 4 चार्ट से बताया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। राज्यसभा टॉपिक को ही उठाएंगे आज हम। तो फर्स्ट आपका आता है कि हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं आपको बताऊँ कि कोई भी हम गेम खेलते हैं, या कोई भी गेम होता है, का हॉकी है, क्रिकेट है, सबके रूल्स होते हैं, सबके नियम होते हैं, है ना। अगर रूल और नियम ना हो तो हम कोई भी गेम नहीं खेल सकते, कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेगा। तो इसीलिए
एक पूरे देश को एक तरीके से चलाने के लिए है ना एक कानून बनाया जाता है, और वो सब जो है आपकी कहाँ कौन सी संस्था में होता है उसे संसद बोलते हैं। इसलिए हमें संसद की आवश्यकता होती है पूरे देश को चलाने के लिए। ठीक है, तो विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से कानून बनाना भी एक कार्य है। काम बहुत सारे करती है, कानून भी एक कार्य है इसका। ये सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं, संसद में बहस होती है, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, बहिर्गमन, विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, आपस में मंत्री लोग झगड़ने लगते हैं, है ना, वाद विवाद होता है, तो ये सब हम लाइव देखते हैं। ठीक है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये जो बहस होती है, चर्चाएँ होती हैं, इस पर ये उद्देश्य पूर्ति को करने के लिए होता है। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर ये सब ना हो तो हम इसे लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है, और यह है वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का जो है एक आधार है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपनी महत्व खोती जा रही हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तैयार करता है और उसे लागू करता है। इसके कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है, और संसद को अपने जवाबों से जो है संतुष्ट करना पड़ता है, उसे क्वेश्चन कर सकते हैं तो आंसरेबल उसे होना पड़ेगा कि उसे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं, वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है। अपनी सचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधिक है, और फिर भी इसके पास सरकार का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। यानी कार्यपालिका जो में जो रखे जाते हैं उसमें रखने की और उसे बर्खास्त करने की भी पावर है। संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता है? अब यहाँ बात होती है, दो सदन हैं संसद में। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है, राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, और भारतीय संसद में दो सदन हैं। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है द्विसदनात्मक विधायिका। तो अंडरलाइन कर लेंगे कि द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? जब किसी विधायिका में दो संसद होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक, दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा, दूसरे सदन को क्या बोलते हैं? लोकसभा। संविधान ने राज्य को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 6 राज्य में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों में समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह भी है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार किया जा सकता है, एक सदन द्वारा लिया गया। यानी कि मान लिया कोई विचार है, अगर दो सदन है तो मान लिया एक सदन में भी विचार हो गया तो दूसरा सदन भी उस पर पुनर्विचार कर सकता है, उसमें सोच समझ के कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो हमारे कौन से 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है? इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था की हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई है कि अगर कोई भी विचार होता है, कोई भी निर्णय लेना होता है, तो उसे पुनर्विचार करने के लिए हम दूसरे सदन में भेज सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जाँचने का मौका मिल जाता है। एक सदन ने देखा, फिर उसके बाद दूसरा सदन देख लेगा, तो उसमें दो बार जांच हो जाती है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरा सदन बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार जो है संभव हो पाता है। तो जैसे हमने बताया राज्यसभा के बारे में, तो संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। ठीक है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि है। जैसे मैंने आपको बताया, जो उसके सदस्य चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, यानी कि जो किसी राज्य में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो चुने हुए सदस्य होते हैं, वही लोग जो हैं राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, द्वितीय सदन
यानी कि राज्यसभा में प्रतिनिधि के लिए दो सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका तो यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमानता, आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधि दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनकी जनसंख्या के हिसाब को देखते हुए। अर्थात द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाता है और जहाँ पर कम जनसंख्या है वहाँ पर कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, जहाँ कम जनसंख्या वहाँ कम प्रतिनिधित्व, लेकिन अमेरिका में अलग है। अमेरिका का क्या है, हर एरिया का समान प्रतिनिधित्व है, सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। मान लिया एक तो है सिक्किम और एक उत्तर प्रदेश, तो दोनों को समान प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एक छोटा राज्य है और एक ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, तो समान प्रतिनिधित्व कैसे होगा, ऐसे तो बहुत ही कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, है ना। लेकिन अमेरिका में सभी राज्यों को जो है बराबर का प्रतिनिधित्व मिलता है। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा, फिर ये होगा कि जो उत्तर प्रदेश में जहाँ 19.98 करोड़ जनसंख्या है वहाँ पर उसे जहाँ पर और वहीं बराबर में अगर हम देखें सिक्किम में 6.10 लाख ही जनसंख्या है तो दोनों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कहाँ तो उत्तर प्रदेश में करोड़ों की जनसंख्या है और कहाँ सिक्किम में सिर्फ लाखों की जनसंख्या है, तो वहाँ पर हम समान प्रतिनिधित्व देंगे तो ऐसे तो बहुत कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, है ना। तो संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते हैं, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वालों उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम और राज्यसभा में एक सीट दी गई है, इसी हिसाब जनसंख्या के हिसाब से। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उनके सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते हैं, इसमें से मैंने आपको बताया था 1/3 जो है वो कितने जो है हर 2 साल में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्य जो है पूरा कर लेते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, ठीक है, फिर वो जो है फिल कर देते हैं उन सीट को। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है, क्योंकि ये एक स्थाई है, अस्थाई नहीं है, स्थाई है, यहाँ पे सदस्यता बनी रहती है, ठीक है। इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। इस व्यवस्था का लाभ यह भी है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है, क्योंकि लोकसभा तो जब भी 5 साल के लिए चुनी जाती है और जैसे ही चुनाव होते हैं तो पूरी की पूरी लोकसभा भंग हो जाती है, सारे सदस्य अपनी सीट छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पर जो है राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है। अगर कोई भी काम होता है तो राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्यसभा में जो है मैंने आपको बताया था 12 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है, और वो जो 12 सदस्य होते हैं वो साहित्य वर्ग से, विज्ञान से, कला से, समाज सेवा से, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप जो है ये राज्यसभा वाला जो टॉपिक है अपने पहले से अच्छे से रीड करेंगे, 2-3 बार वीडियो देखेंगे, ठीक है, और ध्यानपूर्वक इसको जो है पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।